ओम शांति। मेरे शरीर का नाम शालू गुलाटी है। मैं म्यूजिक टीचर हूँ, दिल्ली पीतमपुरा सेंटर से हूँ और दिल्ली में मॉन्टफोर्ट स्कूल शालीमार बाग जो मॉन्टफोर्ट नर्सरी स्कूल में म्यूजिक टीचर हूँ। ब्रह्मा कुमारीज में आने के बाद मेरी लाइफ कैसे परिवर्तन हो गई आपको ये अनुभव सुनाना चाहती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे अनुभव है कि कैसे लाइफ जो है एकदम कितनी स्थिर हो गई, शांत हो गई और मन जो है ना, जैसे हम बोलते हैं दिल में कुछ भी नहीं रखना, तो किसी के लिए भी जैसे अभी बिल्कुल कोई एकदम क्लीन जैसे दिल होता है वैसे हो गया है। तो इतना वंडरफुल यहाँ मेडिटेशन जब मैंने सीखा तो इतने वंडरफुल ऐसे परिवर्तन, तो खुद में जो परिवर्तन आए वो ही सबसे बड़ा परिवर्तन है। जैसे बचपन से ही भक्ति भावना तो बहुत थी, तो लेकिन जब यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में आई तो जैसे ही यहाँ आई तो बहुत शांति का अनुभव हुआ और बहुत एक अलग ही सुख का की महसूसता हुई। तो जैसे 7 दिन का कोर्स होता है मेडिटेशन का, तो 7 दिन जो कोर्स किया उसी में इतना शांत और इतना सुख का अनुभव करने लगी, तो मुझे लगा जैसे मैं यही ढूंढ रही थी, जबकि मैं बहुत भक्ति करती थी बहुत ज़्यादा। तो लेकिन उसके बाद भी जैसे यहाँ एंटर किया तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में, तो वो जो सुख मुझे महसूस हुआ वो अलग ही था। ऐसा लग रहा था जैसे इसी की तलाश थी। तो बहुत बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे भक्ति में हम कहते हैं कि आप ऐसा करो भगवान तो मैं ऐसा करूँगी, भगवान के साथ ऐसे डील करते हैं कि आप कोई भी अपनी विश बोलते हैं कि आप ऐसा मेरी ये विश पूरी कर दो तो मैं ऐसा करूँगी या ये चढ़ाऊँगी या वो करूँगी। लेकिन यहाँ जो है अपना मन ही इतना शांत हो जाता है कि ये ऐसे डील की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर जब हम अपना परिवर्तन करते हैं तो यहाँ ये नहीं है कि आप ऐसा करो तब मैं ऐसा करूँगी। यहाँ हम अपने आप को बदलते हैं तो सर्व प्राप्तियाँ जैसे खुद ही होने लगती हैं। और बहुत सारे यहाँ पर हमें मेडिटेशन में अभ्यास भी कराते हैं, तो ऐसे अभ्यास से रिलेटेड बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे मैं सूरज भाई जी की क्लास बहुत ज़्यादा सुनती थी जब ज्ञान में नई नई आई, तो वो बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं ईष्ट देवी हूँ, तो मैं उनको सुनती थी तो मुझे लगता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। और मैं सिर्फ 2-3 दिन ही उस प्रैक्टिस को रेगुलर करती रहती थी तो उसी टाइम मुझे इतने अनुभव होते थे। तो एक बारी का आपको अनुभव सुनाती हूँ कि मैंने प्रैक्टिस की कि मैं ईष्ट देवी हूँ सूरज भाई जी की क्लास सुनने के बाद, और फिर मैं उसको प्रैक्टिस करती रही 2-3 दिन रेगुलर ऐसे, जैसे हर घंटे में। परमात्मा भी हमें कहते हैं कि अपने आप को स्थिर बिठा कर प्रैक्टिस करो, तो ऐसे ही जो है उनको सुनकर मैंने ऐसे अभ्यास किया कि मैं ईष्ट देवी हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड है जिससे बहुत टाइम से बात भी नहीं हुई थी और अचानक से उसका फोन आया और उसने बोला कि मैं जब भी पूजा करने बैठती हूँ तो मुझे तू ही दिखाई देती है। तो मुझे तो अंदर में पता था कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं ईष्ट देवी हूँ। तो इतना ये एक एक प्रैक्टिस जो यहाँ पर हमें सिखाई जाती है एक्चुअली वो हमारा परिवर्तन करती है। और दूसरा जो है कि एक तो उसने बोला कि ईष्ट देवी मतलब पूजा में मैं ही दिखाई दी, और दूसरा उसने बोला कि मुझे एक प्रॉब्लम है तो मैं बहुत परेशान हूँ, उसकी बेटी थोड़ा सा जैसे गलत रास्ते पर चले जाते हैं तो पढ़ाई भी नहीं करती थी, और उसने उसके बारे में बताया। तो मैंने कहा उससे बात कराना, तो उसकी बेटी से बात की, पता नहीं परमात्मा का ये जो मेडिटेशन है उससे इतना हमारे अंदर परिवर्तन आता है, तो उसकी वाइब्रेशंस दूसरों तक भी पहुंचती है। तो उससे बात की तो वो उसकी बेटी एकदम ठीक हो गई और इतना अच्छे से, बल्कि वो फर्स्ट डिवीजन में पास हुई। तो इतना वंडरफुल है ये ज्ञान और ये मेडिटेशन। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सबको ये करना चाहिए और सबको सीखना चाहिए यहाँ आकर, और इसमें ये नहीं है कि वो बदले या ये बदले। और यहाँ पर हम ये सीखते हैं कि हमें किसी को देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखना है। अगर हम दूसरों को देखते हैं या दूसरों के बारे में बात करते हैं तो वो भी हमें अंदर में पता लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं।
इतना ब्यूटीफुल ये ज्ञान है, उससे हमने अपने आप को चेक करना सीखा। जब हम दूसरों के बारे में बात करते हैं या दूसरों के अवगुण देखते हैं कि वो ऐसा क्यों है वैसा क्यों है, तो कहीं ना कहीं तो एक जैसे गीत भी है, जैसा सोचोगे वैसा और या जैसा चिंतन करेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हम उनकी बुराइयों के बारे में जब सोचते हैं या पॉइंट आउट करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो हमारा ही हिस्सा जैसे बनने लगती हैं। तो ये भी मैंने महसूस किया। और जैसे इसको हम नॉर्मल समझते हैं, मतलब मैं तो नॉर्मल ही समझती थी कि अगर किसी की बुराई बतानी चाहिए या बोलना चाहिए या उनको नहीं बताएंगे तो वो सुधरेंगे कैसे। लेकिन मैंने यहाँ सीखा कि जब हम परिवर्तन होते हैं ना, तो हमारी वाइब्रेशन से औरों को भी ताकत मिलती है परिवर्तन होने की। तो ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि आप ऐसे हैं या वैसे हैं। मतलब स्कूल में टीचर हूँ, म्यूजिक टीचर हूँ, तो एक स्कूल में जो है थोड़ा सा होता ही है कि जहाँ भी हम जॉब करते हैं तो पॉलिटिक्स होती है बहुत ज़्यादा। तो उसको जो है, अब मैं गई तो मैं थोड़ा सा वहाँ पर ऐसा लगा कि सह नहीं पा रही हूँ। तो एक तरह से कैसे परमात्मा की याद में अपने आप को तैयार करती थी कि कैसे मैं रहूँ इन सब के बीच में, इतनी ज़्यादा पॉलिटिक्स है। और मेरा तो, क्योंकि हम जब भगवान के से जुड़ जाते हैं तो वो हमारे अंदर गुण आने लगते हैं, तो बिल्कुल इन चीज़ों से कुछ था ही नहीं। ऐसा लगता था कि वो तो है ही नहीं हमारे अंदर। और कहाँ ये भगवान को बोलती थी, कहाँ मैं आ गई हूँ, तो मुझे ये जॉब नहीं करनी। तो बार बार पूछती भी थी कि मुझे ये जॉब नहीं करनी, लेकिन इशारा मिलता था कि जॉब नहीं छोड़नी है, करनी है जॉब। तो वहाँ पर स्कूल में अचानक से, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम होती थी क्योंकि इस मेडिटेशन से रिलेटेड भी वो लोग क्वेश्चंस भी करते थे, और कहीं ना कहीं उनको अगर मैं आंसर नहीं कर पाती थी तो बहुत ज़्यादा मुझे बोलते भी थे कुछ कुछ। तो रिसेप्शनिस्ट जो थी वो अचानक डिप्रेशन में आ गई, तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा कि तुम मेडिटेशन करती हो, इसे डिप्रेशन से निकाल सकती हो। तो परमात्मा की याद में मेरे मुँह से निकला हाँ, और उन्होंने कहा ठीक है तो क्या करना होगा। तो उनका एक मेडिटेशन है, उसको सीखेंगे तो उससे बहुत बहुत लोग ठीक होते हैं, बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। तो उन्होंने फिर कहा ठीक है तो कल से आप कराओ मेडिटेशन, स्कूल शुरू होने से पहले हम सब जो है एक रूम में बैठेंगे और आप मेडिटेशन कराना। तो नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई मॉर्निंग में और मुझे सामने खड़ा कर दिया और पूरा स्टाफ जो था वहाँ बैठा था, तो पहले तो मैंने सोचा कि सिर्फ एक को शायद कराना होगा जो जिनको प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने देखा कि पूरे स्टाफ को ही मैम ने बैठा दिया था। और सामने जब मुझे खड़ा किया और मैंने मेडिटेशन भगवान को याद किया और परमात्मा की याद में मेडिटेशन के बारे में बताना स्टार्ट किया, तो कैसे वो मैं कराती गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। इतने वंडरफुल पॉइंट्स निकलते गए। और बाद में मुझे भी लग रहा था कि ये तो मैंने तैयार ही नहीं किया था, तो ये कैसे आए ये पॉइंट्स, और कितना परमात्मा मदद करते हैं जब हम उनकी याद में रहते हैं। तो वो इतना वंडरफुल लेसन हुआ। उसके बाद जब प्रिंसिपल मैम, जब वो लेसन कंप्लीट हुआ, प्रिंसिपल मैम खड़ी हुई और बिल्कुल इतना साइलेंस में सब चले गए थे, तो मैम खड़ी हुई, मैम ने क्लैप किया और ऐसे किया, वंडरफुल मैम ने ऐसे बोला। और फिर वो चलता रहा मेडिटेशन, और जो रिसेप्शनिस्ट जो डिप्रेशन में थी वो ठीक हो गई। तो ऐसे मैम को भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो मैम भी ठीक होने लगे, इस मेडिटेशन से हील करने लगे। तो अभी तक भी जो है रेगुलर, अभी तो लॉकडाउन में तो खैर स्कूल नहीं था तो ऑनलाइन तो नहीं होता था मेडिटेशन, लेकिन जब तक था स्कूल तब तक रेगुलर जो है इसी ज्ञान से, इसी मेडिटेशन से स्कूल की जो है शुरुआत होती थी। और सभी जो है सबके अंदर चेंज भी देखा, और जितना जो जैसे होता है ना कि उनको परिवर्तन के लिए या उनके ऊपर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने आप को परिवर्तन करते जाओ, अपने आप को शांत करते जाओ। तो वो मैंने खुद देखा वहाँ पर वो वाइब्रेशंस फैलते हुए, और वहाँ इतना चेंज आया उन सब ने भी, सब टीचर्स ने भी, और कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स जो चलती थी वो जैसे खत्म ही हो गई। तो इतना वंडरफुल है ये ज्ञान, इतना वंडरफुल है ये मेडिटेशन।
जितना बोलो उतना ही कम है, बहुत सारे अनुभव हैं। एक छोटा सा अनुभव और सुनाती हूँ। मैं म्यूजिक टीचर हूँ तो बहुत गाना पड़ता है, तो उसमें लगातार एक के बाद एक क्लास होती है, तो बीच में गैप भी नहीं मिला और गाती रहती थी। तो गलती ये कि पानी भी नहीं पिया, मतलब पानी भी ना पीकर बस अपना जो काम है वो करती रहती थी अपने जॉब में इतना। अब उसकी वजह से क्या हुआ, पानी ना पीने की वजह से जैसे स्पिट अंदर जम जाता है वोकल कॉर्ड्स पर ना, तो पॉलिप्स हो गए थे, मस्से जैसे बन गए थे और मेरी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। और उस आवाज़ के जाने से अब मैं म्यूजिक टीचर हूँ तो कैसे, लेकिन ऐसे में भी क्योंकि अगर आवाज़ चली गई और मैं गा ही नहीं सकती, मैं बच्चों को क्या कराऊँगी। और फिर ऐसे में भी जो है किसी ने स्कूल में मुझे कुछ भी नहीं कहा और कैसे मैनेज होती रही क्लास। और इस मेडिटेशन को करते करते ही अब जब मैंने वो जो है कैसे मेरा वो हील हो गया, अपने आप ही ठीक हो गया। और जब डॉक्टर के पास जबकि मैं गई थी तो उन्होंने बोला था ऑपरेशन होगा, और लेकिन ऑपरेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस फैलती है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है कि वो प्रकृति भी हमें ना सपोर्ट करने लगती है और हमारी बॉडी जो है वो खुद से हील होने लगती है। तो जैसे जितना ज़्यादा हम इस मेडिटेशन में डीप में जाते हैं तो उतना ज़्यादा हम अपनी बॉडी को खुद ही जैसे हील करने लगते हैं। तो बाकी तो ये है, हम ऐसे टाइम में जीते हैं तो ये सब होता ही है कि बीमारियां आना और ये सब, लेकिन उसको सहने की जैसे हमें शक्ति मिलती है और इस मेडिटेशन से कितनी सारी हमारे अंदर शक्तियां आ जाती हैं। शक्ति, ऐसी शक्ति कि हम जैसे इधर की बात उधर कर रहे हैं, ये सब तो समाने की शक्ति और सहन करने की शक्ति, तो ये शक्तियाँ हैं इतनी इम्पोर्टेंट, वो हमारे अंदर आने लगती हैं। तो और क्या कहूँ, बहुत बहुत सारे अनुभव हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। थैंक यू।